लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे आज से आम जनता के लिए खुल गया। लोग लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे शुरू होने से बेहद खुश हैं। लोगों से बात की इंडिया वॉइस के संवाददाता विशाल सिंह रघुवंशी ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करके उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी है। ये एक्सप्रेसवे मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के एक दिन पहले उद्घाटन किया गया और आज से इस पे आवागमन शुरू हो गया है। ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है। इसका खुद अखिलेश यादव ने कल बखान किया था और इसमें करीब 302 किलोमीटर की जो लंबाई है इस पूरे एक्सप्रेसवे में, जो 60 किलोमीटर कम कर रही है लखनऊ से आगरा तक की जो दूरी है। ये गंगा समेत जो 5 नदियां हैं इस एक्सप्रेसवे से गुजरेंगी। साथ ही साथ इसकी लागत करीब 15,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव होते हुए एक्सप्रेसवे लखनऊ पहुंचेगा और आपातकाल में कई फाइटर प्लेन इसमें करीब 3 किलोमीटर के दायरे में स्ट्रिप वायुसेना के रनवे बनाए गए वहां पे उतर सकेंगे। करीब 132 फुट ओवरब्रिज जो है और 59 अंडरपास है वो बनाया गया है। तो ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक्सप्रेसवे कई तरह की सौगातें लाएगा। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनको कितना फायदा हुआ इस एक्सप्रेसवे से। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम श्रीकांत है। श्रीकांत जी, इस एक्सप्रेसवे बनने से आप लोग क्या फायदा हुआ, आप लोग क्या काम करते हैं यहाँ? हम लोग यहाँ व्यापार करते हैं, यहाँ के निवासी हैं। पहले के अपेक्षा काफ़ी यहाँ चहल पहल है और रोजगार बढ़ेगा, काफ़ी चमक दमक आएगी और खुशहाली आएगी। पहले क्या माहौल था यहाँ पे? पहले इतना अच्छा माहौल नहीं था, काफ़ी डल एरिया था ये, और अब तो खैर बहुत ही अच्छा सब कुछ हो गया है और आने वाले कल में यहाँ सुधरता आएगी लोगों में। क्या लोग कहना है कि आने वाले कल में कुछ और भी चहल पहल होगी? हम कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? महेश। महेश जी, क्या करते हैं आप यहाँ? यहाँ दुकान करते हैं। पहले सिंगल रोड थी तो बहुत कम भीड़ लगती थी, अब ज़्यादा भीड़ लग रही है। दुकान अच्छी चल रही है और गाँव भी पास में, गाँव भी है, गांव में रहते हैं। गांव रोड गिला है, आगरा है, बिगला है एकदम। अच्छा, गांव के रौनक आ गई। पहले भूमि अधिग्रहण जब हो रहा था तब यहां का इलाके का नजारा क्या हुआ करता था? बहुत कम था, बहुत पिछड़ा था, एकदम कोई नहीं था एकदम। तो अब उम्मीद लगती है कि अब इस उम्मीद लगती है पिछड़ा इलाका आगे बढ़ रहा है। तो मतलब ये जो स्लोगन है अखिलेश यादव का कि मेरा जो प्रदेश है वो आगे बढ़ रहा है, उसका इस पे काम हो रहा है। आपका क्या नाम है? शिवराज। शिवराज जी, किस तरह का काम आपको लगता है कि हुआ है अच्छा आगरा एक्सप्रेसवे बनने के बाद? कुछ फायदा होगा आप लोग को या पहले क्या माहौल हुआ करता था? नहीं, बिल्कुल फायदा होगा, क्यों अच्छा लग रहा है। अब तो पहला पिछड़ा था, सिंगल रोड थी, कोई आदमी जो है ज्यादा नहीं। अब तो आदमी निकल रहा है मजे का, हर चीज, रोजगार भी बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं। और जो इससे फायदा है अब लोगों को, आसपास गाँव वालों का भी फायदा है कि आदमी आएगा, रुकेगा, विकास होगा हर चीज का। ये लोगों की उम्मीद है कि इस एक्सप्रेसवे बनने के बाद लोगों को काफी फायदा होगा और यही वजह है कि आज से जो है आवागमन जो है वो शुरू हो गया इस एक्सप्रेसवे पर और तमाम जो गाड़ियां हैं वो चलना शुरू हुई हैं। ये एक्सप्रेसवे इसलिए भी बनाया गया है, करीब 60 किलोमीटर जो दूरी है वो तो कम होगी होगी, साथ ही साथ इसके अगल बगल बाकायदा डेवलप किया जाएगा। व्यवसाय के माध्यम से कई लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, मॉल स्थापित होंगे, हॉस्पिटल्स लाए जाएंगे, ताकि दो तरह से हो जाएगा। एक तो सड़कों के माध्यम से विकास कार्य तेज होंगे, दूसरी तरफ विकास कार्यों के लिए कुछ नई चीजें जो हैं वो लाई जाएंगी और उसके लिए बकायदा प्रोजेक्ट पूरा बन चुका है। 15,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे और इसी एक्सप्रेस हाईवे के जरिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने विकास की योजनाओं में जो लिस्ट बनाए हैं उसमें इस योजना को जोड़ेंगे और जब चुनाव आएगा तो इस बात का बखान जरूर करेंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे से विशाल लघुवंशी, इंडिया वॉइस।